खबरों में बने रहने के लिए अपना लैपटॉप न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैडम हमके पास यहाँ पे सीता जी का कुंड है और स्थान है, अभी अभी मिलते हैं सीता जी के जो स्थान में बाबा जी बैठते हैं उनसे। बाबा जी मंदिर के बारे में आप बताइए। ये मंदिर जो कल बना है मतलब कि ये बाहर का है, पर भूमि जो ये पहले प्राचीन है यानी बहुत जमाने का है, जिस समय कि ये राम जी का जन्म हुआ उसके बाद का ही ये भूमि है। और यहाँ का कहानी आपको ऐसा है कि जैसे पौराणिक अख्यान है कि प्राचीन काल में इस स्थान का नाम पुण्य आरण्य था और पुण्डरीक ऋषि का आश्रम यहाँ पर था। इस समय जनकपुर में जनक जी महाराज राज करते थे, उस समय लंका में भी रावण राज करता था और रावण इतना अन्याय हो गया कि अपने राज करते तक महात्माओं से टैक्स के रूप में खून लेना शुरू किया। जिस समय खून लिया था महात्माओं से, उस समय महात्मा भी श्राप दे दिया था कि कह देना रावण के नाश हो जाएगा। और वो श्राप ग्रहण करके जब दूत रावण के दरबार में पहुंचा है आया है कि रावण घाट देख भय हुआ था, यानी उस घड़ा को देकर के पहले बहुत खुश हुआ पर बाद में दूत कह सुना है कि ये तो श्राप युक्त है। तो श्राप का नाम सुनकर के रावण बहुत दुखी हो गया और दुखी होकर के कहा है कि जनक राज में गड़बड़ हो। प्रमाण में आया है कि जनक राज मद गारत भयो, यानी मिथिला के मध्य बीच में घड़ा को काट दो। तो यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि जनक राज में क्यों कहा करवाने के लिए, और भी किसी दूसरे तीसरे राज में करवाना था। यहाँ करवाने के लिए मुख्य दो कारण है। पहला कारण तो यह है कि एक समय शिव जी की जो सभा लगी हुई थी उसमें जनक जी और रावण का दोनों का वेदांत पर शास्त्रार्थ हुआ था। इस वेदांत में जनक जी के साथ रावण पराजित हो गया था, तो इसी का तुक्ता के लिए कहा जनक राज करवा दो और जनक राज में करवा दिया। यही पर क्यों करवाया यहाँ के लिए प्रश्न उठता है कि यही पर क्यों कहा करने के लिए। इस जगह का प्राचीन नाम पुण्यारायण था और ये पुण्यारायण नाम का यहाँ बंजंगल था, तो जहाँ पुण्य की विशेषता होगी वहां पर तो पाप होने से पुण्य की क्षति हो जाएगी, फिर नाश हो जाएगा। और दूसरा कारण यह है कि एक समय जो है वेदांत की कठिन शास्त्रार्थ हुआ था शंकर जी की सभा में, जिसमें जनक जी और रावण का दोनों का वेदांत पर शास्त्रार्थ हुआ था, जिसमें जनक जी के साथ रावण हार गया था। इसी का दुख था, इसलिए कहा कि जो ले जाकर के जनक राज में करवा दो। यही दुकान छोड़ करके यही पर वो घड़ा को गाड़ा था और घड़ा गाड़ने से क्या हुई कि 12 वर्ष के लिए महाकाल पड़ गया जनक राज मिथिला, जबकि प्रजा लोग जल और अन्न के बिना मरने लगे, त्राय त्राय मच गई। तो सारे प्रजा जाकर के महाराजा जनक से प्रार्थना किए कि हम लोग जल और अन्न के बिना मरते थे, इसलिए कोई उपाय कुछ जो किया जाए। फिर बड़े बड़े ज्योति मंत्री विद्वानों को बुला करके सभा में पूछा गया कि हम क्या करेंगे ताकि वर्षा होगी, आप लोग कोई विचार करके बताए। तो लोगों ने विचार करके बताया आप हलेशी यज्ञ करें और हलेशी यज्ञ करके यदि आप अपने हाथ से हल को जो ग्रहण करेंगे यानी चलाएंगे, ये चाहता है प्रमाण में कि वर्षा होगी। ये हुआ कि जनक राज मिथिला तो हमारा बहुत दूर था, ये मिथिला का क्षेत्रफल जमीन आया है 64 कोस 94 कोस लंबा। इसका चौधरी आपको विष्णु पुराण मिथिला कंड भंडार में आया है कि पूर्व में कोसी नदी, दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गंडकी, 40 ग्राम स्तर में हिमालय। ये 64 कोस 94 कोस लंबा जनक राज मिथिला था, ये बिहार और नेपाल में था मिथिला। और जनकपुर में जनक जी का जो उस समय का जो प्राचीन महल भी जो था वो उनके जो मुख्य चार फाटक थे जो 10-10 मील की दूरी पर आने 5-5 कोस की दूरी पर चारों फाटक थे। जैसे कि उत्तर में धनुष है जहाँ पर धनुष टूटा नंबर हुआ पूरा फाटक कल्याणेश्वर महादेव है, दक्षिण फाटक गिरिजा स्थान जहाँ गिरिजा पूजन करने के लिए पिता जी जाती थी बाघ चराग का, और पश्चिम में जलेचर गांव के जल संदरी बराबर है। ये उनके महल के चार फाटक हुआ, हुआ के राज ये चार फाटक ये उनका हुआ, हुआ के राज तो हमारा बहुत दूर था का परिष्कार को कहाँ पर सिद्ध करेंगे के लिए जगह ढूंढी जा, तो जगह ढूंढ करके इसी जगह को काम किया गया। प्रमाण में आया है कि दुर्गात बच्चों मतो भागे योजने दुर्ग से मान से पश्चिम फाटक जलेचर और वहां से 3 योजन, 1 योजन 4 कोस का होता है, 3 योजन 12 कोस के बाद में आया है
पुण्यारेण्णां पुण्डरीकाक्षतं पुण्यधाम यज्ञस्थलं नरेन्द्रस्य यत्लाकुल पद्धतौ समर्पन्ना महाभागा सीताराघव वल्लभ जनकेनि नीतिगिरिं साक्षात् मया चलोमि। जहाँ पर जो आपका पुण्यारायण नाम का वन जंगल है, पुण्डरी किसी का आश्रम है, वहीं पर ये कार्य को करेंगे। जैसा था प्रमाण में की वर्षा होगी, फिर प्रमाण में आया कि 88,000 ईसों का जग में निमंत्रण किया गया और वहां से चले तो शहर में जो वर्तमान आज मंदिर देख रहे, जो सीतामढ़ी का नाम से पहले सब पुण्यारायण नाम का वन जंगल था, वहीं पर कैंप डाले और कैंप डाल करके वहाँ से 2.5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम कोण में जाकर के हलेश्वर जग की और हलेश्वर नाथ महादेव शिवलिंग का स्थापना की। जो लोग नहीं जानकार है, बैरिया बैरिया महादेव कहते हैं, लेकिन लिंग पुराण और बृहद विष्णु पुराण मिथिला कंपटन वर्णन में उनका नाम आया है कि हलावर्ता हलेश्वर, पहले हलेश्वर जग करके बाद में हलेश्वर नाथ महादेव को शिवलिंग का स्थापना की और वो 3 किलोमीटर दूर से और चलाना शुरू किए। जो वर्तमान अभी कुंड जो आपने देखा, जो रावण के द्वारा घड़ा जो घड़ा हुआ था उसमें हल लगने से घड़ा फूट गया और दिव्य सिंहासन निकला। प्रमाण में आया कि सिंहासन के ऊपर में और सखी समेत निकली, जबकि सखी और सिंहासन निकला यजरिश को देकर के महाराजा जनक यहाँ प्रार्थना करने लगे, भाई प्रकट कुमारी घूमी जा रही अद्भुत रूप निहारी। तो सखी और सिंहासन दोनों नीचे जमीन में गुप्त हो गया और राज्य सखी के मध्य में बीच में जो भूमि पुत्री बालिका थी वो यहाँ पृथ्वी पर बच्ची रूप में रोने लगी। फिर जगह का दोबारा दो नाम और पड़ गया, पुण्य रसा और पुण्य उर्वरा। पुण्य रसा, रसा नाम पृथ्वी, पृथ्वी से निकली इसलिए पुण्य रसा, पुण्य उर्वरा ये पुण्यारायण के वन जंगल उसके बीच हृदय से निकली इसलिए पुण्य उर्वरा। उसी शब्द का आज अपभ्रंश कर दिया पुनौरा, पुनौरा का निश्चित कर दिया। तो बालिका का अधिकारी भी होंगे पुण्डरी के, इसलिए क्या आया है साबो में विजय है ना पौंडरकंग समर्पित। एक समय सूर्य ग्रहण लगा हुआ था जिसमें यह पुण्यारायण नाम का वन जंगल पुण्डरी को दक्षिणा में दान कर दिए थे महाराजा जनक। और दूसरा कारण ये होता है कि जहाँ जन्म ले रहे की भूमि जो है बच्ची की वो जो ऋषि का आश्रम है, दोनों आधार के अधिकारी होते हैं पुण्डरी जी। फिर पुण्डरी जी ने कहा महाराज हम तो बलकर तो बच्ची भजन करते थे, बच्ची का कहाँ पोषण पालन करेंगे, इसलिए इसका भार विजय जी ग्रहण करे जनक जी महाराज। जनक जी ने यहाँ पर जया से सिद्ध करके अपने वंश के रूप में नाम रखा जनक पुत्री जानकी। और जया कहा जाता है इसका संकेत पद्म पुराण के स्वर खंड में मिलता है कि तत्र महाराजा जयंग रूप परीक्षा। अने जया शब्द का कहने का तात्पर्य करके यही होता है कि जिन बच्चे में माता पिता का गुण मौजूद हो और बच्चा स्वयं पैदा ले अपने आप जन्म ले उसको जया करते हैं और जया तीरथ मत। और वहां पर जो ले गए जब कुछ वृष्टि होने लगी, जल वृष्टि होने लगी तो वहाँ 6 दिन के लिए रखा है वहाँ कैंप में। तो वहाँ नारद जी के आने के बाद वहाँ सीता नाम पड़ा, तो सीता नाम पड़ा तो नारद जी ने कहा और यहाँ एक बार जया से जानकी नाम पड़ा, तो सीता और नाम का जया का जवाब ये कर जानकारी कर ले, यहाँ तो जया से जिद्द करके अपने वंश के रूप में नाम रखा जनक पुत्री जानकी। और वहां पर सीता नाम इसलिए हुआ कि सीत जो कहते का फाल होता है जिसे मट्टी खोते उसको सीत कहते, और जोती हुई भूमि गड्ढा को सिराउर कहते उसका नाम है सीता। तो सीत और सीता, फाल और गड्ढा एक दूसरे के मिलन टकराव के और तीसरी बालिका की उत्पत्ति हो गई, इसलिए आया कि सीतोत्पन्ना सीता होना चाहिए। और मरा ही नाम कान वहाँ जो वर्षा से रक्षा करके जो वहाँ 6 दिन के लिए छठी मनाया गया, इसलिए उसका नाम सीता मरई हो गया। फिर वर्षा बंद हो गई तो महाराजा जनकपुर में जगह किशोरी जी की जो प्रकट भूमि है जो मिट्टी लेते लेते तालाब का रूप पकड़ लिया है, वर्तमान में वहाँ अभी भी 2 प्रमाण है। एक प्रमाण है कि उसका पूर्ण जल कभी सूखता नहीं, अगर थोड़ा बहुत कहीं सूख गया तो मिट्टी निकालो तो बारिश हो जाएगी या जल देगा। दूसरा प्रमाण है आप गाय का दूध डाल करके देखो जल के नीचे चला जाएगा, ऊपर नहीं आएगा। अभी 2 प्रमाण उसका भी वर्तमान में है जो आप देख सकते हैं।